Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Adda. आज हम बात करेंगे क्लास 9th की टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 1 के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है धर्म युद्ध, जिसे लिखा है अर्जुन देव चरण जी ने। अर्जुन देव चरण जी का जन्म 10 मई 1954 को राजस्थान में हुआ था। अर्जुन देव चरण जी पेशे से एक शिक्षक, एक कवि और एक नाटककार हैं। उनके जो नाटक हैं वो उनके कविताओं का एक विस्तार सा लगता है। He wrote Rajasthani plays on social issues. उन्होंने राजस्थानी नाटकों को लिखा है वहाँ के स्थानीय समस्याओं के बारे में, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि। उनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जिसको उन्होंने लिखा है, जैसे हैं दो नाटक आजरा, गुवारी, शंकारियो, बोल मारी मछली, कितोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुगति गाथा। यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, उस पाठ का जो अंश है उसे भी लिया गया है इनके नाटक धर्म युद्ध से। धर्म युद्ध इस नाटक में 3 किरदार हैं। पहली जो लड़की है जिसका नाम है पद्मा, यह एक क्यूरियस गर्ल, यानी यह एक जिज्ञासु लड़की है। दूसरी उसकी माँ यानी पद्मा की माँ। तीसरे फादर यानी पद्मा के फादर, यानी इस नाटक में कुल 3 किरदार हैं। पहली पद्मा, दूसरी उसकी माँ और तीसरे उसके पापा। इस में एक कठिन शब्द है क्यूरियस। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु। धर्मयुद्ध जो कहानी है उसमें ये कहानी है एक पद्मा नाम की लड़की की, जो लड़की जिज्ञासु है और इन्होंने महाभारत और रामायण जैसे शास्त्रों का अध्ययन किया है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. पद्मा समाज में औरतों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा से व्यथित है और वह औरतों के सम्मान, औरतों के अधिकार, औरतों के समानता की बात करती है और उसके प्रति जिज्ञासु है। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थों को हम देखते हैं। पहला है स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों, दूसरा है एग्रीव्ड यानी पीड़ित, उसके बाद है एगिटेटेड यानी व्यथित, उसके बाद है अनचैरिटेबली यानी दयाहीन, उसके बाद है ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी और अंत में एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति। यहाँ जो समाज में लोगों की जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति है औरतों के प्रति, उस पर उसका मन व्यथित है और उस पर वह जानना चाहती है और अपने मम्मी से, अपने पापा से, यानी अपने माँ और पापा से बात करती है। नाटक में वह जानना चाहती है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, यानी एक औरत की पहचान क्या है, अबाउट मैरिज, और वो कहती है कि क्या शादी ही औरत की पहचान है। एंड आफ्टर ऑल वह बात करना चाहती है जेंडर इक्वालिटी की,
यानी लैंगिक समानता की। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम देखेंगे। पहला आइडेंटिटी यानी पहचान, दूसरा जेंडर यानी लिंग, तीसरा इक्वालिटी यानी समानता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन विथ मदर, कन्वर्सेशन विथ फादर। यहां एक शब्द है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप यानी बातचीत। उम्मीद है आपको आज के वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू।